आउट करते हुए यहाँ पे फाइट होता हुआ एश शॉट्स लेके डार्ली की तरफ, शायद थोड़े से जल्दी शॉट ले लिए बट स्काउट ने बहुत ही बेहतरीन नॉक कर लिया है डार्ली को विद दैट उजी एंड इंस्टेंटली उनको फिनिश ऑफ करना चाहेंगे बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे आई थिंक लेवल वन का ही हेलमेट एंड स्काउट कमिंग विद दैट सेकंड नॉक नॉकिंग डाउन हेडिस एंड यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन खेल रहे स्काउट, नेड फेंकते हुए बट वो नेड कनेक्ट नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा बट यहाँ से फॉलो अप कैसे करेगी टीम फनाटिक, क्या यहाँ पे टीम फनाटिक पुश करने वाली है? यस टीम फनाटिक स्काउट यहाँ पे पुश कर चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे उजी है क्लोज रेंज फाइट लेने के लिए तैयार है स्काउट एंड देखते हैं यहाँ पे चॉपर की तरफ स्प्रे डाउन करते हुए बट स्प्रे नहीं कनेक्ट कर पाए एंड यहाँ पे रोटेट आउट करते हुए देखते हैं यहाँ पे चॉपर पे स्प्रे डाउन करते हुए एश का और रॉनर का बहुत ही बेहतरीन बैकअप एंड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है अभी टीम फनाटिक एंड लास्ट जो बचे टीम एफएफपी के टाका काफी दूर हो चुके हैं अपने स्क्वाड से बट आई थिंक यस ऑल द थ्री किल्स वेंट टू स्काउट, स्काउट टेकिंग थ्री किल्स फॉर हिज टीम एंड एक्सीलेंट स्ट्रेटजी, आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो व्हेन इट कम्स टू ब्रिज कैंप नो वन डज इट बेटर देन स्काउट, स्काउट का बहुत ही बेहतरीन ब्रिज कैंप रहता है एंड यहाँ पे उसके कॉल ने अपनी टीम को डेफिनेटली एक यू नो एडवांटेज दिलाया, वहाँ पे एफएफक्यू के टाका नीचे कूद रहे हैं बट आई डोंट थिंक वो उनको ज्यादा हेल्प करेगी एंड यहाँ पे स्काउट कमिंग अप विद थ्री किल्स फॉर फनेटिक एंड फाइनली फनेटिक को एक बहुत ही प्यारा हेड स्टार्ट मिलते हुए विच इज अमेजिंग, एफएफक्यू के तीन प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर चुके हैं एंड ये इनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट करेगा एंड इनको एक वो हेड स्टार्ट देगा इस गेम में जो वो ढूंढना चाहते थे. एग्जैक्टली एंड यहाँ पे हमने देखा है कि टीम फनाटिक वांट्स इज हंग्री, टीम फनाटिक के ओवेस को यहाँ पे किल चाहिए तो यहाँ पे टाका की तरफ मूव कर रहे हैं बट यहाँ पे अगर टाका इनकी तरफ स्प्रे डाउन कर देंगे तो हो सकता है काफी अर्ली इनटू द गेम अगर ओवेस को यहाँ पे लूज कर देते तो टीम फनाटिक बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ सकती है बट टाका के पास अभी भी उनका गन इक्विप्ड है एंड चाहे तो यहाँ पे शॉट्स ले सकते हैं ओवेस की तरफ एंड अगर होगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स वेट एंड सी कि किस तरह से गेम इन लोग निकालते हैं यहाँ पे बट राइट नाउ ऑल इट लुक्स लाइक कि फनेटिक यहाँ पे होल्ड कर रही है. फनेटिक के पास मैं सभी को याद दिला दूं 10 का किल पॉइंट है, इनमें से 9 किल पॉइंट्स स्काउट ने लिया एंड यहाँ पे 4 AM के जीने का नेड आते हुए एंड यहाँ पे एश नॉक होते हुए यू नो ये चीज थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि टीम एज अ टुगेदर नहीं आ पा रही बिकॉज द वे स्काउट इस गेम में 9 किल पॉइंट्स लिया, अगर बाकी की टीम उनको उसको सपोर्ट करते थे दे कैन डेफिनेटली गो फॉर अ फैंटास्टिक चिकन डिनर. वहां पे एश नॉक होते हुए रौनक ने वहां पे कोशिश की बॉक्सिंग को पिक ऑफ करने का पर यहाँ पे जिन्हे का शॉट आते हुए वहां पे एश फिनिश ऑफ हो गए पर रौनक ने टीम के पुश को थोड़ा पुश करवाया पीछे की तरफ, उनको फॉल बैक करने को फोर्स किया. डीकेजी की टीम काफी अग्रेसिवली उनके तरफ क्लोजिंग कर रहे थे. नाउ इट्स अ 3v4v3 सिचुएशन. डीकेजी एक्सक्यूएफ के प्लेयर नॉक्ड है, एक्सक्यूएफ के दो प्लेयर नॉक्ड है, यहाँ पे स्वैनोवो एक्सक्यूएफ के ऑर्डर को भी नॉक ऑफ करते हुए एंड जैसे कि देख सकते हैं वो फाइट एग्जैक्टली अगर ब्रेक डाउन हम लोग यहाँ पे करें तो थोड़ा सा यहाँ पे एश ओवर एक्सपोज हो गए थे क्योंकि उनके पास अच्छा खासा कवर भी नहीं था, एक पतला सा पेड़ था एंड उनका जो पोजीशन था वो स्पॉट हो गए थे तो इसी कारण वो नॉक हो गए एंड उनको बचाने का कोई भी जरिया नहीं था. कोशिश की गई थी बट हुई नहीं बट यहाँ पे टीम 4M अच्छा खासा जो हाई ग्राउंड का जो मैं बात कर रहा था आपको उसी चीज के एडवांटेज लेते हुए टीम 4M ने बहुत ही बेहतरीन वहां पे फनाटिक के एश को फिनिश ऑफ कर दिया बट यहाँ पे टीम फनाटिक आई थिंक साइमल्टेनियस फाइट ले रही है क्योंकि एक छोर पे उनके राइट हैंड साइड पे टीम डीकेजी है, बिल्कुल उनके ऊपर टीम 4M है और अगर उनके नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे देखो तो टीम एक्सक्यूएफ है तो दैट इज अ रियली बैड सिचुएशन एंड यहां पे स्वानोवो एक्सक्यूएफ के ऑर्डर को फिनिश करते हुए बट आई थिंक यहाँ पे 4 AM जिस स्पॉट में है उन लोग डेफिनेटली फनेटिक के लिए दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे हसाकी स्पॉट हो गया एंड एक्चुअली 4 AM पूरी की पूरी टीम ट्रबल पे आ गई है एंड यहाँ पे मैट जीजी ने एक स्प्रे से मिंगर, मैंने देखा कि एक्सक्यूएफ की टीम भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्लेयर्स लूज आउट कर रहे हैं. डीकेजी ने यहाँ पे 4 AM को पूरा एलिमिनेट कर दिया 5th स्पॉट पे एंड डीकेजी यहाँ पे एक अलग ही गेम प्ले दिखाते हुए अपने एक कॉम्पिटिशन को आउट करते हुए मूव ऑन कर रहे हैं एक्सक्यूएफ की तरफ. आई डोंट नो इफ दिस इज अ रियली गुड आइडिया क्योंकि यहाँ पे वो खाली ओवेस ने वहाँ पे डीकेजी के क्रेजी को नॉक किया, कूल भाई ने वहाँ पे ओल्ड भाई को नॉक किया, ओवेस ने वहाँ पे क्रेजी को कंफर्म किया. फनेटिक यहाँ पे चिकन डिनर की बढ़िया 3v2v1 का सिचुएशन है एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी है फनेटिक के पास, उनके पास एक माइनर एडवांटेज है, उनके सामने एक्सक्यूएफ और डीकेजी है एंड यहाँ पे अगर फनेटिक के चिकन डिनर ले लेते हैं उन लोग पॉसिबल में एक बार में टॉप 5 स्पॉट की तरफ जाएंगे. एंड देख सकते हो कितने ज्यादा अच्छे स्प्रेड आउट है प्लेयर्स, इस बार थोड़ी सी संयम में लग रही है टीम फनेटिक, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड यहाँ पे कूल बॉय फाइट लेते हुए टीम डीकेजी के प्लेयर्स का गेस का आउट वहां पे डीकेजी को कंप्लीटली नॉक करते हुए एंड वहां पे फिनिश ऑफ करते हुए पीछे से ओवेस आया पर जिमी ने
कोवे इसको वहां पे यू नो पकड़ लिया था, कूलबा को कवर फायर दिया। नाउ इट्स अ 3v2v1 सिचुएशन। रौनक और स्काउट यहाँ पे कोशिश करेंगे जिमी को पिक ऑफ करने के लिए, नीचे से कवर फायर देंगे। ओवेस का रिवाइव होना हल्का मुश्किल लगा, इन लोग यहाँ पे स्मोक कर पाते हैं तो ओवेस रिवाइव होगा। ओवेस का बहुत ही प्यारा अटेम्प्ट था वहाँ पे कुलबे को लेने का, बट जिमी को ओवरलुक किया वहाँ पे उन्होंने। बट आई गेस यहाँ पे ओवेस हील अप हो जाएंगे। डीवीजी के एलवीसू और एक्सकेएफ के कुलबे दोनों ही इन दोनों टीम्स को पता है डीकेजी और एक्सकेएफ उनके लिए चिकन डिनर रैंक वन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड फनेटिक के लिए चिकन डिनर इंपॉर्टेंट है इफ दे वांट टू मेक टू द टॉप फाइव। वहाँ पे आप देख सकते हो कुलबे ने कार बस्ट किया बट देन उसका कुछ फैक्ट नहीं पड़ा। वहां पे जिमी इग्नोर कर रहे हैं इस फैक्ट को कि राइट में ओवेस हील अप हो रहे हैं, इनके पास शायद नेड्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर नेड्स होते तो अभी तक ओवेस वहां पे कंफर्म हो चुका होता। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल चांस है, बट स्काउट यहाँ पे प्ले जोन से नॉक होते हुए एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ टीम फनेटिक के खेमे में। बट इट्स नाउ ऑल ऑन टुवर्ड्स रौनक एंड ओवेस, बट जिमी ने यहाँ पे ओवेस को भी फिनिश ऑफ कर दिया। टीम एक्स आई थिंक टीम फनेटिक इज डाउन टू देयर लास्ट गाय, एंड देखते हैं यहाँ पे कूल बॉय फिनिश ऑफ करते हुए टीम डीकेजी के स्वूक को। एंड अभी इट्स अ 2v2 फाइट, बट अभी एक प्लेयर जो है उनके नॉक होके हैं एंड रौनक के ऊपर पूरा जो है जिम्मेदारी आ जाता है। तो इट्स अ 1v2 फाइट टीम फनेटिक वर्सेस टीम एक्सक्यूएफ, देखते हैं कौन जीतता है। बट इसी के साथ टीम एक्सक्यूएफ लेती हुई और एक चिकन डिनर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even